मूवी के स्टार्ट में रोलन एक यूट्यूब वीडियो के जरिए लोगों को बता रही है कि 6 साल पहले मैंने गलती से मदर बुद्धा के रिचुअल को खराब कर दिया था। साथ ही हर चीज की वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, जिसकी वजह से वो लोग जो इस रिचुअल से जुड़े हुए थे या जिन्होंने रिचुअल की वीडियो देखी थी सभी कर्ज हो गए, यानी उन पर शराब आ गया। इसी वीडियो में रोलन सबको अपने मॉम डैड के एक्सीडेंट की वीडियो भी दिखाती है, जहाँ एक्सीडेंट के बाद उसके डैड ने किसी मंत्र को पढ़ते हुए खुद ही अपने आप को मार दिया। एक्सीडेंट की वजह भी उनकी लापरवाही नहीं थी, बल्कि उन्होंने भी बुद्धा रिचुअल से जुड़ी वीडियो देख ली थी और कर्ज की वजह से वो दोनों ही मर गए। उनके मरने के बाद रोलन ने ये बुद्धा रिचुअल की वीडियो 2 पुलिस ऑफिसर्स को दिखाई, जिन्होंने भी इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप को शूट करके मार डाला। ये दिखाने के बाद रोलन कहती है कि मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ कि अब मेरी बेटी भी इस कर्ज का शिकार हो गई है और उसे कर्ज से बचाने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। वो अब स्क्रीन पे एक सिंबल लगाते हुए अपने साथ सबको एक खास मंत्र पढ़ने को कह रही थी। सीन कट होकर अब हमें कुछ हफ्तों पहले का सीन दिखाया जाता है, जब रोलन अपनी बेटी टोटो को लेने के लिए एक फॉस्टर होम में गई थी। असल में टोटो जब पैदा हुई तो रोलन की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी, इसी वजह से डॉक्टर्स ने उसकी बेटी की कस्टडी उसे नहीं दी। रोलन का एक बड़ी साइकेट्रिस्ट ने इलाज किया था, जहाँ रोलन ने उन्हें बताया कि मेरी ये अजीब हालत तब से ऐसी है जब मैंने बुद्धा के टेंपल में एक ऐसी टनल को खोलने की गलती की थी जिसके अंदर किसी का भी जाना मना था। उसने वहाँ एक वीडियो भी बना ली थी जिसे जो भी देखता है कर्ज्ड हो जाता है। डॉक्टर पूछती है कि अगर जो तुम कह रही हो वो सच है तो सबसे पहले तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मरना चाहिए था जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी, और मैं उस वीडियो को देख चुकी हूँ जिसे तुम शराबी कह रही हो। मुझे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, मुझे लगता है कि तुमने उस सारे इवेंट को अपने दिमाग पर हावी कर लिया है। जिसके जवाब में उन्होंने ये कहकर बात खत्म कर दी है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि जिसको इस शराब की कर्ज का जितना नॉलेज होता है वो उतनी ही जल्दी मर जाता है। रोलन ने डॉक्टर को ये नहीं बताया था कि आखिर वो इस शराब से कैसे बची है। अब प्रेजेंट में रोलन अपनी बेटी को अपने घर ले आई है। जब वो अपनी बेटी को उसका असल नाम लिखना सिखा रही थी तभी अचानक उसकी घर की खिड़की टूट जाती है। रोलन जब चेक करने के लिए गई तो पीछे से उसकी बेटी की हालत बिगड़ गई, उसकी आंखों में खून उतरने लगा था और साथ ही वो घबराते हुए छत की तरफ देख रही थी। कुछ देर बाद रोलन उसे सुला देती है, जिसके बाद घर में अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं, जैसे लाइट्स का चले जाना और उसी वक्त पर लिफ्ट में से किसी की रोने की आवाजें आना। आवाज को चेक करने के लिए रोलन टोटो को उसके बिस्तर पे छोड़कर बाहर चली जाती है और पीछे से टोटो अपने बिस्तर से गायब थी। दिखाया जाता है कि टोटो अब ऐसी हालत में है जैसे किसी ने उसको अपने काबू में कर लिया हो और वो जोर जोर से अपना नाम चिल्ला रही थी। साथ ही उसके खिलौने भी जुड़कर उस सिंबल की शक्ल में आ गए थे जिससे रोलन ने पहले सीन में अपनी वीडियो में भी दिखाया था। अगले दिन रोलन जब ऑफिस जाती है तो अचानक उसके सामान में बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं। ये सब उसकी कलीग देखकर घबरा गए थे और इस वजह से रोलन को जॉब से निकाल दिया जाता है। इसी टाइम पर उसे टोटो के स्कूल से कॉल आती है जिसने एक बच्चे को काट कर उसके पाँव में जख्म कर दिया था। स्कूल वालों से माफी मांगते हुए रोलन टोटो को घर ले आती है और नोटिस कहती है कि टोटो छत पर किसी चीज को देख देख कर डर रही है। वो टोटो को रिलैक्स करने के लिए ऐसा ड्रामा करती है कि जैसे उसने उस मॉन्स्टर को मार दिया है जो टोटो को डराता था। पर इस टाइम सच में हमें रोलन के घर किसी साए को दिखाया जाता है। कुछ दिन गुजरने के बाद टोटो की टीचर भी रोलन से शिकायत करते हैं कि उसका स्कूल में बिल्कुल ध्यान नहीं है, वो बस छत की तरफ देखती रहती है। ये जानने के लिए कि उसकी बेटी को अकेले में क्या नजर आता है, रोलन ने उसकी टॉयज में कैमरा फिट कर दिए थे जिनके अंदर रिकॉर्ड हुआ था एक भूतिया हाथ जो टोटो की तरफ बढ़ रहा था और इसी को देख देख कर वो हमेशा डरा करती थी। अगले दिन हम देखते हैं कि टोटो को छत से कोई आवाज आ रही है जो उसे अपनी तरफ बुला रही थी। इस आवाज ने टोटो को जैसे अपने काबू में कर लिया था क्योंकि अब वो आवाज की गई सब बातें मानने लगी थी। जहाँ आवाज जब उसे छत से नीचे जंप करने को कहती है तो टोटो ने बिना सोचे समझे ये भी कर दिया, लेकिन हैरान कुन तौर पर अगले ही पल वो सही सलामत वापस खड़ी थी। बस फर्क इतना था कि अब उसके हाथ में एक चाकू भी था। टोटो इस चाकू के जरिए छत पर बनी एक कमरे का दरवाजा खोलती है जो कमरा देखने में ही काफी खौफनाक लग रहा है। यहाँ काफी मूर्तियाँ रखी थी और रेड लाइट जल रही थी। टोटो को यहाँ एक कैमरा मिलता है। जब रोलन उसे ढूंढते हुए इस कमरे तक आई तो उस टाइम टोटो कैमरा में एक वीडियो को देखते हुए वही मंत्र पढ़ रही थी जिसे मूवी के स्टार्ट में रोलन ने अपने व्यूअर्स को पढ़ने के लिए कहा था। ऐसा करते देख कर रोलन टोटो को डांटती है। अब टोटो की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। रोलन उसे लेकर इमरजेंसी में हॉस्पिटल आती है और डॉक्टर टोटो को चेक करने के बाद बताती है कि किसी बड़े सदमे की वजह से टोटो पैरालाइज हो गई है और अब वो जिंदगी भर चल नहीं पाएगी। ये जानने के लिए कि आखिर रोलन और टोटो के साथ ये सब क्या हो रहा है, कहानी शिफ्ट होती है 6 साल पहले, जब रोलन
अपने दो दोस्तों के साथ भूत प्रेत की सच्चाइयों से रिलेटेड एक चैनल चलाती थी और आज वो एक ऐसी जगह को खोलकर उसकी हकीकत सबके सामने लाने वाली है जिसे खोलना किसी भी इंसान के लिए मना है। और ये वही चैनल है जहाँ से रोनन के कर्ज की शुरुआत हुई थी। ये गाँव रोनन के दोस्तों का था जहाँ ये लोग कई साल बाद किसी फैमिली रिचुअल के लिए आए थे। ये लोग अंदर जाते हैं और इनसे पर्चियों पर इनके नाम लिखवाए जाते हैं। गाँव वाले लोगों के मुताबिक अब इन तीनों के नाम मदर बुद्धा को गिफ्ट कर दिए गए थे और बुद्धा को ये सब पसंद आया था। ये बताया था यहाँ बैठी एक छोटी लड़की ने जिसे इन लोगों के मुताबिक मदर बुद्धा ने अपने मैसेजेस इन तक पहुँचाने के लिए चुना है। जहाँ मौजूद बूढ़ी औरत रोनन से कहती है कि अब क्योंकि तुम अपना नाम बुद्धा को दे चुकी हो तो इसलिए तुम इस नाम को असल दुनिया में यूज नहीं करोगी। साथ में ये भी कि तुम्हारी जो बेटी पैदा होगी तुम्हें उसे भी मदर बुद्धा के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इन सारी बातों से रोनन काफी घबरा जाती है और टॉम उसे समझाता है कि इन लोगों की बातों पर ध्यान न दो, हम बस अपना मिशन पूरा करते ही यहाँ से निकल जाएंगे। इन्हें यहाँ एक टनल की वीडियो बनानी थी। ये एक टेम्पल के करीब जाकर देखते हैं कि गाँव के कुछ लोग रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ मदर बुद्धा की स्लेक्ट की हुई ईयर की भी है और ये लोग वही मंत्र पढ़ रहे हैं जो मूवी में बार बार हमने सुना है। रोनन के साथ ही ये सब चुपके से रिकॉर्ड करने में लग जाते हैं और बुद्धा की लड़की इनको देख लेती है। ये पकड़ी जा चुकी है। ये लड़की इसकी सजा में रोनन को लेकर एक अजीब से रूम में आती है जहाँ मदर बुद्धा की एक तस्वीर लगी थी जिसमें उनके एक हाथ में किसी का कटा सर और दूसरे हाथ में एक खून का प्याला था। रोनन को यहाँ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वहाँ रखी सभी मूर्तियाँ उसको देख रही है। तभी वो छोटी बच्ची मेंढक से भरा एक डब्बा उसे लाकर देती है और कहती है कि मेंढकों को अपने कान खिला दो। अब उसने ये भी नोटिस किया था कि इस बच्ची का भी एक कान नहीं है और बच्ची इस बारे में बताती है कि बचपन में इस गाँव में सुकून लाने के लिए मदर बुद्धा की ब्लेसिंग लेने के लिए मेरे एक कान को मदर बुद्धा की भीड़ चढ़ा दिया गया। मदर बुद्धा को खुश करने के लिए तुम भी ऐसा ही करो। इन्हीं बातों के दौरान अचानक इस कमरे में रखी सभी मूर्तियों का मुंह मुड़कर रोनन की तरफ आ जाता है और ये बच्ची सब नॉर्मल करने के लिए रोनन को छुपा लेती है। जहाँ रोनन के साथियों को भी गांव वालों ने कोई भी ऐसी हरकत ना करने के लिए वॉर्न कर दिया था, ये कहते हुए कि इसका नतीजा बहुत गलत हो सकता है। लेकिन इन पर तो गांव वालों की किसी बात का कोई असर ही नहीं था और आधी रात होने पर ये लोग अब गांव की मशहूर टनल की सच्चाई जानने के लिए उसके टेम्पल के पास पहुँच चुके थे जहाँ वही छोटी बच्ची शदीद सर्दी में इन्हें लेटी हुई दिखाई देती है। उसके चेहरे पर काफी सिंबल्स भी बने हुए थे। ये लोग अब फाइनली टनल का दरवाजा तोड़ चुके थे जो कहते ही उन्हें बेशुमार बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और अब तो रोनन की तबीयत भी खराब होना शुरू हो गई है। इसलिए रोनन को छोड़कर उसके दोनों साथी टनल के अंदर जाते हैं और कुछ ही देर बाद उनकी जोरदार चीख रोनन को सुनाई पड़ती है। अचानक रोनन का एक साथी ये चिल्लाते हुए बाहर आ जाता है कि हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए था, टनल को नहीं खोलना चाहिए था। रोनन का हस्बैंड टॉम अभी भी टनल के अंदर ही था जिसे चेक करने के लिए रोनन वो टनल में जाती है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी, वो मर चुका था। अंदर टनल में जो कुछ हुआ था वो रोनन के साथियों के कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका था जिसे मदर बुद्धा की सिलेक्ट की हुई बच्ची रोनन से लेकर तोड़ने की कोशिश करती है, पर रोनन इस कैमरा को बचा लेती है। टनल के बाहर इसी शराब की वजह से गांव के सभी लोग पागल होकर मरते जा रहे थे जिनकी बॉडी के ऊपर अब अजीब सिंबल भी बने हुए थे। यहाँ रोनन का वो साथी जो टनल से निकला था वो अपने आप को ही मार चुका था और बस एक रोनन ही जिंदा बची थी जो किसी तरह अपने आप को बचाकर इस गांव से निकाल लेती है। सीन दोबारा उस टाइम में शिफ्ट होते हैं जब रोनन की बेटी बीमार है। रोनन जानती है कि उसने वही कर्ज वाली वीडियो कैमरा में देख ली है और अब वो मदर बुद्धा के कर्ज में आ गई है। उसकी हालत ज्यादा खराब होने की वजह से रोनन से दोबारा उसकी कस्टडी ले ली गई थी, पर उसका इलाज जो कि सिर्फ रोनन ही जानती थी इसीलिए वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल से किडनैप करके एक मदर बुद्धा के टेम्पल में आती है ताकि टोटों पे लगे कर्ज को तोड़ा जा सके। यहाँ के लोग उनसे कहते हैं कि हम ये काम कर तो देंगे पर हमारे रिचुअल के दौरान कोई भी 7 दिन तक टोटो को कुछ नहीं खिलाएगा, अगर उसने कुछ खा लिया तो रिचुअल का असर उल्टा हो जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। इस टाइम तो रोनन मान जाती है, लेकिन 3 दिन गुजरने के बाद जब टोटो की हालत काफी खराब हो गई थी उसकी बॉडी पर होल्स हो रहे थे ऐसे जैसे उसकी बॉडी सड़ रही हो, जब भूख के मारे वो चिल्लाने लगती है तो रोनन को तरस आ जाता है और वो उसे पाइनएप्पल खिला देती है। उसके ऐसा करने पर टोटो की हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है जिसे लेकर वो फौरन टेम्पल में आती है तो मोंक की असिस्टेंट उसे कहती है कि तुमने जो किया बहुत गलत किया,
तुम्हें उसे कुछ नहीं खिलाना चाहिए था। अब भुगतो जो हो रहा है। दिखाया जाता है कि मो की मौत हो चुकी है और कुछ ही देर में असिस्टेंट की बॉडी भी सड़कर वो भी मर जाती है। अपनी बेटी को रोनन हॉस्पिटल ले जाती है जहां उसे मालूम हुआ है कि टोटो अब कोमा में जा चुकी है। टोटो के फोस्टर होम वाले डैड टोटो से काफी प्यार करते थे। रोनन उनको टोटो पे आए सारे कर्ज की कहानी बता चुकी थी और वो अब इस सब का हल निकालने के लिए कैमरा में मौजूद वीडियोस देखने के बाद वो कुछ सर्च करके रोनन को बताते हैं कि बुद्धिज्म में जो प्रे करने के लिए स्थाई बनाया जाता है उसका मतलब है कलेक्ट करना, दुआएं यानी ब्लेसिंग्स इकट्ठी करना, और उसका ही उल्टा साइन ये लोग वीडियो वाले रिचुअल में भी बना रहे थे जिसका मतलब है कर्ज यानी शराब को फैलाना। और जो गांव वालों के मुंह पर मरे के वक्त सिंबल्स थे वो भी एक राइटिंग है जिसे ट्रांसलेट यूनान के एक मॉन्क ही कर सकते हैं। दिखाया जाता है कि जैसे जैसे ये लड़का कर्ज का पता चला रहा था उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, पर उसने हार नहीं मानी थी और वो यूनान के मुंह के पास पहुंच चुका था। कर्ज के बारे में सभी कुछ जानने के बाद जब वो ये बताने के लिए रोनन को कॉल करता है तो उस वक्त उसे छत पर कोई अजीब चीज दिखाई देती है। वो खुद को संभाल नहीं पाता, वो इतना पागल हो जाता है कि अपना सर टेबल से मार मार कर अपने आप को जान से खत्म कर देता है। यानी रोनन ने डॉक्टर को सही बताया था, जो जितना इस कर्ज के बारे में जाने का वो उतना ही जल्दी मर जाएगा। एंड नेक्स्ट सीन में एक अजीब काम ये हुआ है कि काफी सालों बाद हॉस्पिटल के बाहर उस बच्ची को देखा गया है जिसे मदर बुद्धा ने सिलेक्ट किया था। ये बच्ची उसी हॉस्पिटल के बाहर थी जिसके अंदर टोटो एडमिट थी। उसके मुंह पे बहुत से सिंबल भी बने हुए थे जिसकी खबर को न्यूज पे भी चलाया जाता है। सीन यहाँ से कट होता है और अब हमें मूवी के स्टार्टिंग सीन को दिखाया जाता है जहाँ अपने यूट्यूब चैनल के जरिए रोनन लोगों से बात कर रही है और अपनी बेटी को ठीक करने के लिए वो सबकी मदद मांग रही है, ये कहते हुए कि मेरा बोला हुआ मंत्र आप लोग भी पढ़िए, जिसके बाद वो अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए एक वीडियो चला देती है। ये वही वीडियो है जो रोनन के साथियों ने टनल के अंदर रिकॉर्ड की थी। अब फाइनली हमें ये देखने को मिल रहा है कि उस टनल में आखिर है क्या। इस टनल में बहुत से मिरर्स के साथ इंसानी गोश्त, बाल और दांत रखे थे, साथ ही मदर बुद्धा और उसके बच्चों की मूर्तियां भी यहाँ थी। एक दरवाजे के पीछे से इन्हें काफी सारे बच्चों की रोने की आवाजें आ रही थी और दरवाजे पर वही मंत्र लिखा था जिसे मूवी में बार बार सुनाया गया है। ये लोग आगे बढ़ते हैं, उस दरवाजे को खोलकर उन्हें यहाँ मदर बुद्धा की एक बहुत बड़ी मूर्ति देखने को मिलती है जिसके चेहरे को लाल कपड़े से ढका गया था। ये कवर उतार कर मदर बुद्धा की शक्ल टॉम देख लेता है और दर्द से चिल्लाता है। टॉम का भाई जब उसे देखने के लिए यहाँ आता है तो उसके चेहरे के साथ उसकी पूरी बॉडी सड़ चुकी थी और साथ ही टॉम अजीब तरीके से अपने भाई पर अटैक कर रहा था। टॉम से बचते हुए ये लड़का यहाँ से बाहर निकल जाता है और टॉम खुद ही अपने आप को मार लेता है। ये सारा सीन और वीडियो यही खत्म हो जाती है जिसके अगले सीन में हम उसी मदर बुद्धा की लड़की को देखते हैं जो हॉस्पिटल में है। रोनन उसके पास जाकर उसका एक कान काट लेती है क्योंकि वो अब खुद अपनी बेटी का कर्ज हटाने का प्लान कर रही है। रोनन ने इस लड़की का कान मदर बुद्धा को खुश करने के लिए काटा है। अपनी बेटी की कस्टडी फोस्टर होम में देने के बाद वो अपनी बॉडी पर बहुत से मंत्र लिखती है और उस लड़की का कान लेकर के बाद अब वो उसी टनल में आई है जहाँ वो 6 साल पहले आई थी। अब यहाँ सब कुछ बिखर चुका था, वो यहाँ मुझे हर मिरर को तोड़ने के बाद यहाँ सभी चीजों को सही तरीके से लगाने लगती है। दिखाया जाता है कि इस दौरान वो अपने चैनल पर लाइव थी। इस टनल में काम करने की वजह से उसकी बॉडी सड़ने लग गई थी और वो अब लोगों से यानी अपने व्यूअर्स से कहती है वो मंत्र पढ़िए और वो सिंबल याद करें जो मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद वो अपने व्यूअर्स के लिए यहाँ यूनानी मोंक की एक वीडियो चला देती है। वीडियो में मोंक बता रहे हैं कि वो मंत्र जो ये लोग पढ़ रहे हैं वो ब्लेसिंग यानी दुआ नहीं है बल्कि एक श्राप है। मदर बुद्धा के मजहब में माना जाता है कि श्राप को जितना ज्यादा फैलाया जाएगा उसका असर शरापी इंसान पर से कम होता रहेगा और जो भी वो शरापी मंत्र पढ़ रहा है वो ये कह रहा है कि अब से मेरा नाम मदर बुद्धा का हो गया है और साथ ही ये भी कि कर्ज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ ताकि ये कर्ज उस इंसान को नुकसान ना पहुँचाए। और जो सिंबल रोनन बार बार मूवी में दिखा रही थी वो इसी कर्ज को बड़े पैमाने पर फैलाने के लिए है। मदर बुद्धा का चेहरा इस कर्ज को बहुत जल्दी फैलाता है इसीलिए उस चेहरे को ढांप कर रखा जाता है। मोंक ने ये सारी बातें रोनन को उस वक्त बताई थी जब वो प्रेग्नेंट थी, यानी उसे सब पहले से ही पता था। वो सभी लोगों को वीडियो के जरिए मंत्र पढ़ने का इसलिए कह रही थी ताकि उसकी बेटी के ऊपर से कर्ज खत्म होकर बाकी लोगों में ट्रांसफर हो जाए। यहाँ तक कि 6 साल पहले उसने अपने ऊपर से भी कर्ज खत्म करने के लिए बहुत से लोगों के साथ अपने माँ बाप की भी जान ले ली थी उन्हें कर्ज वाली वीडियो दिखाकर। आखिर में मोंक वाली वीडियो चलाने का मकसद रोनन का ये था कि सभी लोग अब अपने ऊपर आने वाले इस कर्ज को जान लें।
और इससे बचने की तैयारी कर ले। मौत वाली वीडियो खत्म होने के फौरन बाद उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर मदर बुद्धा की मूर्ति का ढका चेहरा खोलकर उसके सामने कैमरा कर देती है ताकि श्राप जल्दी फैले और उसकी बेटी ठीक हो जाए। मदर बुद्धा की शक्ल सच में बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी। वहाँ मुंह की जगह एक टनल थी, गोश्त से बनी एक टनल जिसके अंदर बहुत सारे सुराख थे, ऐसे जैसे गोश्त सड़ रहा हो और उसमें कीड़े पड़ जाए। रोनन के इस मदर बुद्धा के चेहरे को खोलने की वजह से उसकी भी मौत हो गई थी, पर उसकी ये सारी मेहनत बेकार नहीं गई क्योंकि कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। कर्ज आगे लोगों पर ट्रांसफर हो गया था और उसकी बेटी पर से कर्ज का असर खत्म हो गया था, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।